हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है अचारी मसाला में। और आज हम बनाएंगे आलू पोस्तू, आलू झिंगनी और पोस्तू की सब्जी। इस पोस्तू को खसखस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल बंगाल में बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसकी सब्जी खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें पोस्तू के सिवाय और कोई मसाले नहीं पड़ते हैं। और आइए हम बनाते हैं पोस्तू की सब्जी। इसके लिए मैंने पोस्तू लिया है। मुझे सब्जी थोड़ा सा ही बनाया है, थोड़ा लिया। और हरी मिर्च, सबसे पहले मैं पोस्तू और हरी मिर्च को पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमें पूरा में ही पीसना है। थोड़ा पीसने में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पीसेंगे तो पीसने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने कम लिया था तो थोड़ा टाइम लगा इसे पीसने में। ये झिंगनी है जिसे सापुतिया भी बोलते हैं। यूपी में, बिहार में इसे जितिया के दिन इसका इस्तेमाल बहुत होता है। मैंने आपके दिखाने के लिए मैंने एक आपके सामने काट रही हूँ और दिखा रही हूँ, और बाकी सबको मैंने पहले से ही काट लिया था। मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। अब मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रखती हूँ गैस पे, और थोड़ा तेल डाल के, करीब 4 से 5 चम्मच तेल डाल के, 1 चम्मच काला मंगरेला जिसे कलौंजी भी कहते हैं प्याज डाल रही है। इसे थोड़ी देर चलाएंगे हम लोग। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू मैंने छोटे साइज में काटा है, जो नॉर्मली जो सब्जी बनाते हैं उससे थोड़ा छोटा साइज काटा है, और पतला पतला। इसे भी अच्छे से चलाएंगे और थोड़ी देर इसे इसी तरह भूनेंगे। इसी तरह चलाकर थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे। इसमें हम प्याज के साथ इसको भूनना है थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम नमक डालेंगे, ताकि नमक डालने पे थोड़ा ये पकने लगे। और इसमें झिंगनी भी डाल देंगे। झिंगनी डालकर अच्छे से चला लेंगे। और नमक डालें तो झिंगनी भी अपना पानी छोड़ने लगेगा और ये उसी पानी में थोड़ा देर पकेगा। ये देखिए, आलू अभी नहीं पका है, इसलिए मैं और थोड़ी देर ढक कर इसे पकाऊंगी। देखिए, झिंगनी थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है। ये देखिए, थोड़ा पानी छोड़ चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा आलू कड़ा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। उसे पानी डाल देने से ये क्या है, अच्छी तरह से पक जाएगा। ऐसे फिर थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। अब इसे हम पानी को थोड़ी देर सूखने के लिए देंगे, और झिंगनी और आलू भी पक जाएगा, तब हम पोस्तू डालेंगे। अब शायद अब हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा पोस्तू डालेंगे। अब इसमें पोस्तू डालेंगे, पिसा हुआ पोस्तू जिसे मैंने पहले ही पीस लिया था। मैंने हरी मिर्च उस पोस्तू के साथ ही पीस ली है, इसीलिए मैंने फ़ौरन में मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है।
आप चाहे तो सूखी मिर्च फूरन में डाल सकते हैं। अब हम पोस्तों के साथ थोड़ी देर से पकने देंगे ताकि पोस्तों का रस आलू और झींगनी में अच्छी तरह से घुस जाए और थोड़ा सब्जी भी सूख जाए। पोस्तों जो है थोड़े ठंडे होने पे खाने में अच्छा लगता है और इसे ठंडा होने पे भी इसका ग्रेवी जो है वो गाढ़ा हो जाता है। इसे बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। जैसे अब ये हो चुका है, पूरा सूख चुका है इसका ग्रेवी। देखिए अब इसको गैस बंद करके हम एक इसे निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में। इसे हम ठंडे होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पे ये बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। गरम से ज़्यादा ठंडा में ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसमें हम लोग हल्दी नहीं डालते हैं, इसलिए मैंने हल्दी नहीं डाला है। बंगाल में खासकर बिना हल्दी के ही बनाया जाता है, इसलिए मैं भी हल्दी नहीं डाली हूँ। ये देखिए पोस्तों की सब्जी तैयार है।